दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। अभी अभी खबर मिली है फरीदाबाद NIT वन में एक शोरूम में बंदूक के दम पर लूट हुई है। और यहां पर देखिए क्राइम ब्रांच की टीमें हैं, कोतवाली थाने की टीमें हैं, पुलिस पूछताछ कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है, फुटेज खंगाले जा रहे हैं। देखिए एक बड़ी टीम पुलिस की शोरूम के अंदर है। हम भी अंदर चलेंगे, हम भी बातचीत करेंगे कितने की लूट हुई है, कौन सी बंदूक थी और अंदर कौन था दुकान के, कितने लोग आए थे, हर चीज़ की जानकारी हम हासिल करेंगे। देखिए ये दुकान है 3 स्टार नाम से, ये बाटा रेलवे स्टेशन के पास है। NIT 1 की तरफ से जो पेट्रोल पंप है उसके पीछे, HP का पेट्रोल पंप आपने देखा होगा नीलम बाटा रोड पर, उसके पीछे ये शोरूम है। आप लोग देख रहे हैं SHO साहब आए हैं रामबीर सिंह कोतवाली थाने के, और उनकी पूरी टीम है। और इससे पहले क्राइम ब्रांच 48 की टीम, CIA 30 की टीम और भी कई CIA की टीम यहां पर आई, फुटेज वगैरह देखा, जांच पड़ताल की और आगे की कार्रवाई में लग गए हैं। यानी फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की टीमें कार्रवाई में लग गई हैं। पुलिस शिकायत दर्ज कर रही है जिसके बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा और आगे की कार्रवाई होगी। तब तक हम दुकानदार से बातचीत करेंगे, पूछेंगे कौन आया था और कितने की लूट हुई है, हर चीज़ की जानकारी हम हासिल करेंगे। देखिए ये सेल्समैन है और शोरूम दिखा देते हैं आपको, ये कपड़ों का शोरूम है। आप लोग देख रहे हैं अंदर कैमरे वगैरह लगे हैं जिसमें जो लुटेरे आए हैं उनकी तस्वीर साफ साफ दिखाई देगी। हालांकि अभी हमें फुटेज नहीं मिला है। यहाँ पर देखिए ये डिस्प्ले लगा हुआ है CCTV कैमरे का, इसमें कुछ तस्वीर वगैरह दिख रही है। आओ भैया दिखाओ, कैमरामैन थोड़ा इसको जूम करके दिखाना, वहाँ जाके खड़े हो जाओ, चाहे कॉर्नर में जाके खड़े हो जाओ, देखते हैं। थोड़ा बढ़ा दो चाहे, आपको लाइव भी दिखा देंगे। देखिए अगर चोरों की तस्वीर दिख गई तो बहुत अच्छी बात होगी। इसके बाद हम दुकानदार से बातचीत करने वाले हैं। उसको कट्टा बट्टा कुछ बंदूक वगैरह दिखाई गई थी। ये लाइट थोड़ा बंद करो, कौन सी लाइट जल रही है, बंद कर दो भैया। हाँ हाँ अब दिख जाएगा। देखिए अभी दिख जाएंगे जो लुटेरे डकैत होंगे। बंद करना भैया ये वाली, चला दे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये रहा, दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया। अच्छा ये हथियार दिखा रहे हैं, डरा रहा है, अंदर भी घुस गया। अच्छा पैसे निकाल रहा है। देखिए लुटेरा दिख रहा है, हुडी पहनी है इसने, टोपा वगैरह लगा रखा है। देखिए आप लूट करते हुए बदमाश दिखाई दे रहा है, हथियार लगाया है, कैश वगैरह छीन रहा है, खुद ही गले से कैश निकाल लेता है अंदर जाकर। अब दुकानदार से हम बातचीत करेंगे क्योंकि लुटेरे जा रहे हैं। दो थे भैया, दो थे ना, हाँ दो थे। आइए आइए आइए, दुकानदार से बातचीत करते हैं। पुलिस को बयान दे दिया है, भैया ने शाइन वाइन कर रहे हैं, दो दुकानदार थे यहाँ पर, आइए बातचीत करेंगे। देखिए पुलिस का काम भी ख़त्म हो रहा है क्योंकि हमने डिस्टर्बेंस नहीं किया पुलिस को। फिर से शिकायत लिख रहे हैं, अच्छा अच्छा कटिंग हो, थोड़ा सा 2 मिनट का देंगे भैया। भैया क्या नाम है आपका? जितेंद्र सर। आप यहाँ पर थे? जी सर। क्या हुआ था थोड़ा बताइए। ठीक है, दो बदमाश आए थे यहाँ पे, ठीक है, कट्टे की नोक पे रखे, ठीक है, मेरे पास 20-25 हज़ार रुपये थे, वो छीन के ले गए। कट्टा लगाया था आपको या दिखाया था? दिखा कर। अच्छा अच्छा, क्या बोला कि खत्म कर देंगे आपको, पैसे दे दो, कुछ तो बोला होगा? हाँ सर। अच्छा। पूरी धमकी दी थी, पूरा कट्टा निकाल लिया था इस तरीके से। पूरा देखा था या नली वली आपको वैसे दिखा? पूरा दिखाया था सर। अच्छा पूरा दिखाया था। दो लोग थे? दो लोग। क्या पहना था सर? चेक कलर की शर्ट थी, हेल्थी था काफी। अच्छा, और पूरा फेस कवर था उनका। अच्छा जी, ठीक है सर, धन्यवाद आपका। देखिए पुलिस आई है, काम पूरा कर रही है, SHO साहब भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप भी थे भैया, आपको भी डराया धमकाया, कुछ बोला? आप कहाँ थे? यहीं पे बैठा था मैं भी, भैया यहाँ पे बैठे। वो दिख रहा है आगे गया है, गल्ले वल्ले खुद ही निकाल लिए पैसे। पहले यहाँ पे था, कट्टा दिखाया, गाली दी, ठीक है, हम डर गए, हमने कैश निकाल दिया, फिर खुद ही यहाँ पे आ गए, खुद ही निकाल लिया। सर कार्रवाई हो रही है? कंप्लेंट के बाद मुकदमा दर्ज होगा, सॉर्ट आउट करिए। CIA की टीमें भी यहाँ पर आई थी सर? आली सारी CIA आ गई, फुटेज वगैरह देख लिए सारे,
खंगालने लग गए कैमरे इधर उधर। चलो ठीक है, पकड़ लेंगे फिर तो। हाँ जल्दी करेंगे। चलो धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। देखिए पुलिस तत्परता से यहाँ पर लगी हुई है और बहुत तेज एक्शन लिया है पुलिस ने। जैसे पुलिस को सूचना मिली है CIA की कई टीमें यहाँ पर आ गई और इसके अलावा SHO रामवीर सिंह भी आ गए और उनकी टीम भी यहाँ पर आ गई। देखिए जब चोर पकड़े जाएंगे कोई अपडेट पुलिस की तरफ से हमें मिलेगी तो हम आपको बताएंगे। और पुलिस की कार्रवाई देखकर ऐसा लग रहा है जल्द से जल्द जो लुटेरे थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि क्राइम ब्रांच के पास उनकी फ़ोटो भी आ गई है और हर पूरी जानकारी आ गई है कि उन्होंने क्या पहना था, कैसे दिखते थे, हर चीज़ की जानकारी क्राइम ब्रांच को मिल गई है। जब चोर लुटेरे पकड़े जाएंगे और कैश बरामद हो जाएगा आपको फिर से अपडेट देंगे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।